पूरी दुनिया में हर देश अपने आप को सबसे अच्छा लोकतंत्र साबित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ ने भारत के लोकतंत्र पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र से सबसे महान लोकतंत्र बनना चाहिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, क्या कारण है इसके पीछे, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज, मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ ने भारत के लोकतंत्र पर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र से सबसे महान लोकतंत्र बनना चाहिए। वही उन्होंने पाकिस्तान के न्यूज चैनल जियो टीवी को दिए एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि भारत के साथ संबंधों को वो सुधारना चाहते हैं, पर इसके लिए कश्मीर मुद्दे का शांतिपूर्वक हल निकलना जरूरी है। इसी के साथ उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि कश्मीर के मुद्दे का हल निकाले बिना भारत के साथ व्यापार संभव नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम शांतिपूर्ण ढंग से इस मुद्दे का हल चाहते हैं, लेकिन अगर शांति स्थापित नहीं होती है तो यह भारत, पाकिस्तान और दुनिया के लिए चिंता का विषय होगा। वही आपको बता दें, 370 हटने के बाद से दोनों देशों के बीच व्यापार बंद है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार बंद है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार को यह कहकर रोक दिया था कि धारा 370 की बहाली तक दोनों देशों के बीच व्यापार नहीं होगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के नेताओं के जेल में होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि उनको पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो ये पाकिस्तान की डेमोक्रेसी पर सवाल खड़े करता है। आपको बता दें कि इमरान खान को सरकारी खजाने के तोहफे बेचने का दोषी पाया गया था। 5 अगस्त से वो जेल में बंद है। इस केस में उन्हें जमानत मिली तो सीक्रेट लेटर चोरी केस में उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया। इससे पहले इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी, साथ ही अगले 5 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई थी। कोर्ट ने पूर्व पाकिस्तानी पीएम पर 1 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया था। वही आपको बता दें, अनवारुल हक काकड़ को 12 अगस्त को पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। पाकिस्तान में इस समय एक केयरटेकर सरकार कमान संभाल रही है। अगले कुछ महीनों में चुनाव कराने के लिए यह केयरटेकर सरकार आई है। शहबाज शरीफ ने इस्तीफा दे दिया है और अनवारुल हक काकड़ अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं। अब देखने लायक ये होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के इस बयान से क्या भारत का लोकतंत्र सबसे बड़े लोकतंत्र से सबसे महान लोकतंत्र बन पाएगा। नमस्कार।